सैमसंग का नया S20 FE 5G आ चुका है दोस्तों। जिन्होंने नहीं पता है, ये सैमसंग का सबसे सस्ता फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। FE का मतलब फैन एडिशन है और काफी सारे कलर्स में आता है, बट सीधी बात यह है कि ये बहुत तगड़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशंस बहुत ही कम प्राइस में लेके आता है, और पिछले साल वाले एडिशन में मुझे बहुत तगड़ा लगा था, तो इसको भी अनबॉक्स कर लीजिए। भाई स्टैंडर्ड 3 पुस्तकों वाला आपको सेट देखने के लिए मिल जाता है, उसके साथ साथ ये फोन है। ओ कलर तो काफी डिफरेंट सा दे रखा है। चार्जर 25 वॉट वाली है, और ये जो सैमसंग के बजट फोन्स में आता है वो सेम सा ही चार्जर है, ये वाली USB टाइप सी केबल। एक तो चीजें बची हैं, पीछे की साइड भी स्क्रीन गार्ड लेबल और लगा रखा है, फ्रंट में भी स्क्रीन गार्ड, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, हम इसमें एकदम हाई लेवल एक्सपर्ट। ये है नया S20 FE 5G, और जैसा कि आप देख पा रहे हो काफी क्यूट सा, सॉफ्ट सा, कंफर्टेबल सा डिजाइन है, और मुझे इसकी फील हाथ में बहुत ही अच्छी लग रही है। ये वाला स्मार्टफोन काफी सारे रिव्यूअर्स ने बेस्ट स्मार्टफोन रेट करा था पिछले साल का, क्योंकि वैल्यू काफी अच्छी दे रहा था, और ये वाला उसका भी अपग्रेडेड वर्जन है। चलो फ्रेंड्स ट्राई कर लिया जाए। स्ट्राइडिंग वाला बढ़िया मामला चल रहा है। इसमें एक 6.5 इंच का फुल HD प्लस पैनल है, और नंबर स्क्रीन में तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सुपर AMOLED 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, कटआउट बहुत प्रिसाइज है, बेजल्स बहुत ही कम है, सैमसंग के एकदम फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले है। कलर वलर बढ़िया दिख रहे हैं, फूल पत्तियां भाई साइड साइड से देख लो, भैया जी जीप भी निकाल रहे हैं। साइड में पूरा एक मेटल फ्रेम है, और ऑल्दो बैक प्लास्टिक है बट काफी कंफर्टेबल फील होता है, काफी प्रीमियम भी फील होता है, और प्लास्टिक एकदम टॉप टियर वाला आप इसको बोल सकते हो, आपको बिल्कुल भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। और एक दो चीजें और, ये जो कैमरे का पूरा फ्रेम है ये भी मेटालिक है, और उसके बाद जो कैमरे के अंदर की रिंग्स है ना वो भी एक पर्पल फिनिश में दे रखी है, और साइड वाला भी एक थोड़ा सा डार्क पिंक पर्पलिश फिनिश आप इसको बोल सकते हो। अगर एकदम सीधा सीधा बताऊं तो S20 FE जो था उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट अपडेट है, काफी सारी छोटी छोटी चीजें ऐड कर दी गई हैं। जैसे पुराना वाला एक 4G मॉडल था, ये वाला एक 5G मॉडल है, पुराने वाले में एक्सिनोस था, इसमें स्नैपड्रैगन है। कैमरा की टेस्टिंग कर रहे हैं, अलग एनवायरनमेंट में आ गई। इस वाले के अंदर 3 कैमरास हैं, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है। नंबर मुझे पता आगे पीछे होते रहते हैं, बट फोटो खींच के देख लेते हैं। हमने अल्ट्रा वाइड में भी खींची और इसका टेलीफोटो। एक चीज मेरे को मतलब है, पुराना वाला जो अल्ट्रा वाइड कैमरा हुआ करता था ना उसमें फोकस फिक्स्ड होता था, बट इसमें आप आगे पीछे टच करके फोकस कर सकते हो, वो चीज काफी बड़ी इंप्रूवमेंट है। और 12 मेगापिक्सल सुनने में कम लगता है, बट ये जो डिटेल इस 12 मेगापिक्सल के कैमरे में है ना, ये काफी सारे 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे में भी नहीं है। तीनों ही सेंसर से हमने जितनी भी फोटोज खींची है वो काफी बैलेंस लग रही है, जो कलर्स है, जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है वो काफी अच्छा लग रहा है। बट एक छोटी चीज मैंने नोटिस करी, इस लैम्प को अगर आप देखोगे, अगर कैमरे में मैं इस लैम्प को दिखाऊं तो ये व्हाइट लाइट है हल्के से कूल टोन के साथ, बट जो इसने कैप्चर करा है हल्का सा ब्लू टिंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और ये खाली इसमें नहीं, ये नॉर्मल ट्यूबलाइट है जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, इसमें भी हल्का सा ब्लू टिंट है। अब फोटो खींच ही रहे तो खुले खुले मौसम में भी बढ़िया से खींच लेंगे, आसपास बिल्डिंग विल्डिंग की बढ़िया फोटो खींची जाएगी। ओ भाई इसका वाइड काफी ज्यादा वाइड है, ये 1x में और 3x से भाई किसी के घर में भी घुस जाएंगे। ये वाली फोटो हमने 3x से खींची है, और इसमें पूरा जूम करके भी जो डिटेल आ रही है वो काफी तगड़ी है, और जो नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड से भी है वो भी काफी अच्छी लग रही है। जितने भी फीचर है जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में अवेलेबल है, जैसे इमोजी वाले या फिर प्रो वीडियो वाले मोड में जो आप मैनुअली फोकस करते हो तो आपको ग्रीन लाइन दिखेंगे जो चीज फोकस में, या चेयर पे फोकस हो गया तो चेयर पे ग्रीन ग्रीन लाइने दिखेंगी, या फिर आपको एक कोई ब्लूटूथ या USB माइक वाइक यूज करना है वो भी है, वीडियो में सुपर स्टडी भी है, और दोनों एक जो प्राइमरी है और जो टेलीफोटो है जिन दोनों में चाहिए एक्चुअल स्टेबिलाईजेशन, दोनों में ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन है, और ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक वाली रहती है। और जूम की अगर बात कर ही रहे तो इसमें 30x तक जूम करके आप देख सकते हो, हाँ अपने कमरे बैठ के तांगा झांगी कर रहे हैं दूसरों के घरों में, वेरी वेरी पॉसिबिलिटी। सारी फोटो खींच रही तो भाई एक सेल्फी भी खींच ली जाए, ओ वीडियो बन गई। थोड़ा सा ब्यूटी, नो ब्यूटी, बढ़िया डिटेल आ गया, हमारी दाढ़ी के बाल भी बढ़िया दिख रहे हैं, और जो स्किन टोन्स हैं, कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट है, सारी चीजें काफी बैलेंस्ड और काफी मजेदार सी लग रही है। हमें जितनी फोटोज खींची ने नॉर्मल सिचुएशन में भी काफी अच्छी फोटो इसने निकाल के दे दी है। और फीचरों की बात करी रहे तो इसमें सैमसंग पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसके बाद प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ऑलमोस्ट निल है, सॉफ्टवेयर में जाओगे एंड्रॉइड वर्जन 11 है, अपनी चक्री वगरी घुमा सकते हो, बट UI का वर्जन 3.0 ही है। सैमसंग ने 3 साल की अपडेट प्रोमिस करे हैं इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर, और
छोटी छोटी चीजें हैं, UFS 3.0 आपको देखने मिल जाता है। इसका मतलब मेमोरी अंदर की तेज है, 8GB रैम भी जो इसके अंदर है वो भी DDR5 है जो लेटेस्ट वाली है। वायरलेस चार्जिंग भी आपको देखने मिल जाती है जो इस प्राइस पॉइंट पे काफी रेयर है, 15 वॉट तक ये कर लेता है वायरलेसली चार्ज। और बैटरी की अगर बात कर ही रहे हैं तो इसमें 4500 mAh की बैटरी है, जो फॉर्म फैक्टर है उसके हिसाब से आप डिसेंट बैटरी लाइफ इसको बोल सकते हो। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, ये वाला इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा चेंज है, क्योंकि पुराना वाला एक 4G प्रोसेसर था जो एक्सिनोस पे बेस्ड था और इस वाले के अंदर स्नैपड्रैगन 865 है 5G के साथ। जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, ये पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अगर स्नैपड्रैगन 888 होता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता, बट इसकी एक बार टेस्टिंग ही कर ली जाए, 2-3 गेम तेजी से खेल ली जाएगी। सबसे पहले थोड़ी इंटरेस्टिंग गेम से शुरुआत कर ली जाए, जिसमें डॉक्टर ड्राइविंग का वो खेलते हैं भाई। ओ गुड टर्न भाई, हम तो हैवी ड्राइवर है भाई। ओ IPL का मौसम आ रहा है, हम भी थोड़े छक्के मारे। वो आउट मत कर यार, नहीं 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 आउट नहीं भाई, आउट नहीं है। ओ चौका भाई, हम रुकने वाले नहीं है। 2020 में भाई की टीम मुझे 600 रन हर मैच में भाई। अब हो गए भाई रेडी, एक बार सेटिंग दिखा दें। वेरी IPL मैक्स सेटिंग पे हमने हर चीज ऑन कर दी। ओ एक को लपेट दिया है, 3 लपेट दिए हैं। ओहो, कोई बात नहीं दोस्तों, मतलब क्या साइड में स्नैपड्रैगन 865 एक ट्राइड और टेस्टेड प्रोसेसर है, काफी सारे फ्लैगशिप्स ने यूज कर रखा है और सैमसंग ने खुद भी अपने काफी इंटरनेशनल फ्लैगशिप्स में यूज कर रखा है। बट और जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जो ये स्पेसिफिकेशंस लेके आ रहे हैं वो इसके प्राइस से काफी ऊपर चले जा रहे हैं। इस स्मार्टफोन का रिटेल प्राइस 56,-1 rupees। बट मैं एक चीज और चेक कर रहा था, इसके ऊपर 8,000 rupees का कैशबैक भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और 48,000 इसका इफेक्टिव प्राइस हो जाए। पर इस प्राइस पॉइंट के लिए डेफिनेटली काफी वैल्यू पैक्ड स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से। और मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि सैमसंग के टॉप एंड वाले भी जो स्मार्टफोन्स हैं उनके भी कुछ कुछ फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और हम इसको और भी टेस्ट करेंगे और होपफुली आप लोगों को पसंद आई वीडियो। अगर आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।